एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला कक्षा 5 या 10 पास नेताओं की तरह पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी नहीं है। इनको गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग देती है, इनको कानून बताया जाता है, इनको प्रोसीजर बताया जाता है। मैं बोलूंगा सर अगर आप प्रेशर में झुक गए तो आप आईएएस के काबिल ही नहीं होते। ये घटना ऐसी हो गई कि एक मिलिट्री के जवान को हमने तैयार किया और सीमा पे युद्ध हुआ, जब बंदूक चलने लगे तो वो बच्चे की तरह बंदूक छोड़ के दुपक जाए। आपको इसीलिए तैयार किया जाता है इन आईएएस ऑफिसर्स को कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आप परफॉर्म करिए, आप झुकिए मत, आप सत्य का साथ दीजिए। इसके बाद हर चीज का मैनुअल राइटिंग में इनके हाथ में दिया जाता है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला जैसी मैम जैसी, अगर वो ई टेंडरिंग, उनको पता है कि, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, बोल दे कि नहीं नहीं सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, ई टेंडरिंग की जगह मैनुअल टेंडरिंग की, तो इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि जानबूझ के सिस्टम को डेविएट किया जाए, नॉर्म को फॉलो ना किया जाए। तो ऐसे एक्सक्यूज इतने बड़े आईएएस ऑफिसर को जिसके ऊपर गवर्नमेंट साल 2 साल ट्रेनिंग देती है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है, और वहां पे जाके कोई आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टी बोलते नहीं नहीं जी गलती हो गई हमसे, अरे आप अनपढ़ हो क्या कि इतनी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो, ई टेंडरिंग आपने क्यों नहीं की, मतलब आप लिप्त थी। एके मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। एके आपका स्वागत है। चलिए इस वक्त हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट एके मिश्रा। एके मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, देखिए अब कुछ भी नहीं है खबर में, ऐसा कुछ भी दम तो है नहीं, जब कोई किसी तरह की गलत चीज़ों में पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सीबीआई सबसे बड़ी जाँच एजेंसी है, सीबीआई के हाथ में उसी केस को दिया जाता है जो या तो कोर्ट को ऐसा लगता है या फिर सिस्टम को ऐसा लगता है कि अनसुलझा केस है, और सीबीआई बहुत अच्छे से इसकी जांच पर परख करेगी। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, अब तो एफआईआर भी चंद्रकला के खिलाफ हो गया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए मैं बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। अभी द्विवेदी सर ने बोला वो उसी फील्ड के हैं, रिटायर्ड हैं। इन्होंने खुद कोट किया कि हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे केस हुआ था, फिर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया जांच एजेंसियों को कि भाई ये जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए ताकि पता चले फैक्ट क्या है। पहली चीज है, सोशल मीडिया पे मैं भी चंद्रकला जी को आज तक देखता था और बहुत इन्फ्लुएंस था कि बड़ी ईमानदार जो है इनकी छवि बनी है। मैं एक बड़ा बेसिक सवाल उठाना चाहता हूँ एक नागरिक होने के नाते। ये आईएएस ऑफिसर्स, आप ये देखिए, कोई आदमी पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर बन जाए, उस जमाने में जब तनख्वाहें 4,000-6,000 होती थी, कोई आईएएस ऑफिसर की मैक्सिमम जो तनख्वाह होती है 1,00,000 होती है, 4-6 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि इनके पास करोड़ों का घर बंगला गाड़ी सब कुछ आ जाता है। ये वो तरीके हैं जो द्विवेदी जी के साथ मैं एक दिन और बैठा था, मैं बोलता हूं देखिए क्या होता है। मान लीजिए केवल 10% आईएएस ऑफिसर जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, या कोई सरकारी कर्मचारी 90% ईमानदार है मैं मानता हूं, लेकिन ये 10% अपने आप में सफिशियंट है कि पूरे सरकार और जनता का सारा पैसा ही अकेले हजम कर जाते हैं। यादव सिंह का केस लीजिए, 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति निकल रही है, 1,00,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद तब जाके ये कहीं एक फ्लैट ले लेते हैं। गवर्नमेंट को तो इस पे एकदम नकेल कसनी चाहिए। जितने गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, आपकी तनख्वाह 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए है और आप 4-6 साल में 1 करोड़ का फ्लैट यहाँ ले लेते हो। मैं इनका घर देख रहा था जहाँ पे छापेमारी चल रही थी, मैं तो ताज्जुब था। हो सकता है वो पुश्तैनी घर हो, दहेज में मिला हो, हस्बैंड का हो। उन्होंने बताया कि फादर इन लॉ की तरफ से गिफ्ट दिया। अच्छा, अब जरा इनके फादर इन लॉ से पूछिए कि अब उनका जरा बैकग्राउंड अगर गवर्नमेंट चेक करे। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ साहब, इनके फादर इन लॉ ने जब नौकरी शुरू की थी तो उस वक्त तनख्वाहें होती थी 5,000-10,000 रुपए, तो कहां से 1 करोड़ 4 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन ऑफिसर्स के पास आ जाती है। हर एक आईएएस ऑफिसर, एकाध को छोड़ दीजिए सर जो ऑनेस्ट है, जैसे योगी जी के सरकार में एक पुलिस के जो है यूपी के हेड बने थे, दिखाया था कि उनका घर आज भी खपड़ैल वाला है झांसी में या कहां पे है। जो ईमानदार है सर, उनकी एक्टिविटी से, उनके घर से ईमानदारी झलकती रहती है। ईमानदार ऑफिसर केवल पेट भर पाता है, एक मकान एक फ्लैट भी नहीं बना पाता है। सारे आईएएस ऑफिसर, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर क्या ऐसा नहीं लगता कि इतने लोकप्रिय अधिकारी रहे, इतने लोकप्रिय आईएएस रहे और कड़क भी रही है, ईमानदार उनकी छवि रही है, लेकिन अचानक देखिए कई सारी चीजें जब निकल कर सामने आती है। सर देखिए क्या है, थोड़ा सा इस बात को मैं बाद में थोड़ी देर के बाद समझूंगा, लेकिन एके मिश्रा और कैप्टन एस के द्विवेदी और सिद्धिश्री एके के पास हम आना चाहेंगे कि थोड़ा सा मुझे बताएं, एक जो लाइन हम लोग चला रहे हैं कि इस सियासी जो नौकरशाही के खिलाफ सियासी छापा, थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड को समझना चाह रहा हूँ। इस लाइन को देने के पीछे थोड़ा मेरा कुछ और मकसद था एक्चुअली में, उस मकसद को मैं समझना इसलिए चाह रहा था
कि इसे सियासी छापा हम इसलिए नहीं कह सकते कि सीबीआई का छापा है, और सियासी छापा हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर की जो बात कैप्टन साहब की तरफ से की जा रही है, सिद्धि जी की तरफ जो की जा रही है, तो उस हिसाब से इसे सियासी छापा के तौर पर भी देखा जाए। और जो एक जो तीसरा मुद्दा बनता है कि देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो सीबीआई अपना काम कर रही है, अपने पैटर्न के हिसाब से काम कर रही है, इतना हो हल्ला करने और चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ गई है। एक शंकर जी, पिछली बार लगभग इसी से मिलता जुलता टॉपिक था, द्विवेदी सर भी थे, मैं उसी चीज को रिपीट करूंगा। एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला कक्षा 5 या 10 पास नेताओं की तरह पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी नहीं है, इनको गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेनिंग देती है, इनको कानून बताया जाता है, इनको प्रोसीजर बताया जाता है, इसके बाद हर चीज का मैनुअल राइटिंग में इनके हाथ में दिया जाता है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक आईएएस ऑफिसर चंद्रकला जैसी मैम जैसी, अगर वो ई टेंडरिंग, उनको पता है कि ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, बोल दे कि नहीं नहीं सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, ई टेंडरिंग की जगह मैनुअल टेंडरिंग की, तो इसका मतलब है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि जानबूझ के सिस्टम को डेविएट किया जाए, नॉर्म को फॉलो ना किया जाए। तो ऐसे एक्सक्यूज इतने बड़े आईएएस ऑफिसर को, जिसके ऊपर गवर्नमेंट साल 2 साल ट्रेनिंग देती है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है, और वहां पे जाके कोई आईएएस ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टी बोलते नहीं नहीं जी गलती हो गई हमसे, अरे आप अनपढ़ हो क्या कि इतनी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो, ई टेंडरिंग आपने क्यों नहीं की, मतलब आप लिप्त थी। अब लिप्त थी तो विलफुली लिप्त थी, केवल अपने फायदे के लिए कि आपका नेक्सस था कि पॉलिटिकल पार्टी का आपका प्रेशर आ गया। मैं दूसरी चीज की एनालिसिस करता हूं। क्लियर बता दीजिए ना, नेक्सस को क्लियर कीजिए। हां नहीं, नेक्सस को कर रहा हूं मैं। हाँ। बोलता हूं कि मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री या किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर आ गया, जीतू जी बुरा नहीं मानेंगे, बोल दीजिए। नहीं, द्विवेदी सर से भी मेरी प्रार्थना है, मैं बोलूंगा सर अगर आप प्रेशर में झुक गए तो आप आईएएस के काबिल ही नहीं होते। ये घटना ऐसी हो गई कि एक मिलिट्री के जवान को हमने तैयार किया और सीमा पे युद्ध हुआ, जब बंदूक चलने लगे तो वो बच्चे की तरह बंदूक छोड़ के दुपक जाए। आपको इसीलिए तैयार किया जाता है इन आईएएस ऑफिसर्स को कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आप परफॉर्म करिए, आप झुकिए मत, आप सत्य का साथ दीजिए। ये तो बड़ा छोटा सा प्रेशर है, 2-4 जो है खदानों का, 2-4 उसका जो है, इनको टेंडरिंग के लिए इन्होंने नियम ही बदल दिया, तो ये तो विलफुली है। जो मुझे लगता है लॉजिक के बेस पे, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये नेक्सस था, ये विलफुल था, उसके पीछे लॉजिक है। इतना पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर कैसे इतनी छोटी चीज को इग्नोर कर दे और बोल दे जी गलती हो गई। मैं भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा हूं। एक मिनट सुनिए, दूसरी चीज, चंद्रकला मैम ने अपनी इमेज बनाई थी, बड़ी सख्त इमेज बनाई थी, इनके वीडियो हमने देखे हैं यहाँ पे बुलंदशहर में, हम भी देखे। देखिए दोनों हाथ में ईंट लेके यूं ईंट मार रही है, ईंट टूट गई और उसको डांट रही है कि अरे ये कौन सी ईंट तुमने लगाई है, तुम जो है ये कर रहे हो, इस तरह की सख्त ऑफिसर, और इतने जल्दी वो मौन की तरह पिघल गई और वो झुक गई एक प्रेशर के सामने। इसीलिए इनको तैयार किया जाता है कि गलत प्रेशर को कैसे मैनेज करें। एक समझ में नहीं आई बात आपकी, बात आपकी बात जो है फाइनली समझ में नहीं आई। मैं एक सवाल जो पूछा था आपसे, जो हम लोग एक लाइन चला रहे हैं कि नौकरशाही पर क्या इसे सियासी छापे के तौर पर देखा जाए, या सीबीआई अपना काम कर रही है, अपने पैटर्न पर काम कर रही है, हम लोग को इतना नहीं, देखिए पहली चीज, मैं इसमें दो ही लाइन में बोलूंगा, बस इसमें दो लाइन बताइए। पहली चीज, आपने गलती की है इसीलिए सियासी लोगों को मौका मिला है। भूरेलाल का एग्जांपल लीजिए, द्विवेदी सर ने पिछली बार भी बोला था कितना अगेंस्ट वो हो गए थे पॉलिटिशियंस के उस टाइम के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सारे पॉलिटिशियंस भूरेलाल सर का या एक दो डीएम और ऐसे थे जो मैंने सुना है कुछ नहीं बिगाड़ पाए मैक्सिमम ट्रांसफर करके। खेमका जी का आप देख लीजिए, दुर्गा नागपाल का देख लीजिए। सबसे बड़ी ये है कि आपने गलती की इसलिए दूसरे लोगों को मौका मिला। चलिए इसीलिए सवाल ऊपर केस चल रहा है, सवाल इसीलिए उठ रहा है, सवाल इसीलिए उठ रहा है, लोग नहीं नहीं लोग तो मौका ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहा है, आप भी कहीं ना कहीं सियासी रूप में इंक्लाइंड थे ना। परवेश तिवारी जी, गलती की परवेश तिवारी जी, लोगों को क्यों बोलना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अब दूसरों को मौका देते तो यदि हमारे सहयोग की कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम निसंकोच पूरा सहयोग सीबीआई और कोर्ट का करेंगे। अब जब हम बात करते हैं अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव की, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि कुछ ही समय पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4-4 जज जो है बाहर निकलकर सरकार का हस्तक्षेप करने की बात करते हैं, तब कोई क्यों नहीं बोलता। सीबीआई सीबीआई पर छापा मारती है, तब कोई क्यों नहीं बोलता। और आरबीआई के गवर्नर
जो इतना बड़ा पद होता आरबीआई के गवर्नर राजनीतिक दबाव में इस्तीफा दे देते तब क्यों नहीं कोई बोलता। मिश्रा जी की बात का जवाब दे देता हूँ। बहुत ही फैक्टफुल सवाल इनकी तरफ से उठाया गया प्रवेश जी, आप लोगों को जवाब देना चाहिए इसका कि जहाँ कोई गड़बड़ी होती है वहाँ जांच बैठाई जाए, वहाँ पूरी बातें हुए पूरी तरह से जांच दूध का दूध पानी हुए, हमने कभी किसी चीज का फेवर नहीं किया, हमारी बात भ्रष्टाचार हुए तो हमारे उसकी जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार किए वो सब जेल। आप जरा ये बताइए मैम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी शक्ति है, कांग्रेस के टाइम पे जो सिख दंगे हुए थे उसकी जांच होनी, 500 सारी पार्टियों के टाइम पे जो ऐसे कुकृत्य हुए हैं जिसमें निजी जनता मरी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, आप लोग इतने पॉलिटिकल बात सुन तो लीजिए, जी जांच होनी चाहिए कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, दूसरी पार्टी के खिलाफ जांच होनी चाहिए क्योंकि सरकार हमारी है। अरे आप लोग सिद्धांत कम से कम, आप लोग इतने आप हर चीज के लिए बोलिए ना कि जांच होनी चाहिए, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, मैं आके तो आप चूर हो गए, मैं बीजेपी के लिए बोल रही हूं, आप बेसिक मुद्दा यही है कि ठोक दो कि ये आपकी बड़ी सत्ता में आके तो आप चूर हो गए, आप रहते थे उत्तर प्रदेश में, आपके मुख्यमंत्री जी रहते थे उत्तर प्रदेश में, अभी चुनाव तो उसके पूर्व में मैं बता दूं, कोई सज्जन बहुत ऊंची ऊंची आवाज में अभी अपने भाषण को रख रहे थे कि यहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी हुए थे पीके मिश्रा साहब, जो मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होके अभी रिटायर हुए हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा मुख्यमंत्री का कि एक पर्टिकुलर पत्रावली 24 घंटे के अंदर कंप्लीट होके जैसा वो चाहते हैं या चाहती हैं वो उनके सामने आ जाए। मुख्य सचिव ने आउटराइटली पत्रावली देखी और कहा यह संभव नहीं है, उन्होंने कहा कि इसको करना पड़ेगा। आपको बता दूं ये रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने उस पत्रावली के ऊपर एक प्लेन पेपर पर अपना रेजिग्नेशन लिख करके साथ में भेज दिया और उसके बाद तो वो उठ करके अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से घर चले गए। मुझे बोल दिया, मैं उसी आवाज में बोल रहा हूं। एक मिनट कैप्टन साहब को बोलने दीजिए आप, तो मतलब आपका ये कहना है कि सामंजस्य बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल। अखिलेश यादव भी देखिए यही कहते थे जीतू जी, लेकिन देखिए अब परत दर परत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। मैं आता हूँ एक ही आपके पास, थोड़ा जीतू जी बताइए। गौरी शंकर जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी दल हो, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ हमेशा खड़ा मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी का चोला पहनकर लोगों को पागल ना बनाए। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले बलिया के विधायक सुरेंद्र खिलाफ खड़े हैं। अरे ए के मिश्रा जी, औरों की भी सुन लिया करें, और भी लोग हैं डिबेट में। गलत चीजें बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने बलिया के डीएम जिलाधिकारी पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। योगी कैबिनेट के सदस्य ओम प्रकाश राजभर जी ने हाल फिलहाल में कहा था कि जो काम पहले 500 रुपए में होता था वो भाजपा सरकार आने के बाद 5000 रुपए में होने लगा। हाल फिलहाल में योगी सरकार के तीन मंत्रियों के निजी सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और ये लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा शेल्टर होम के मामले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पाए गए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हुआ। मेरी बात सुन लीजिए, सबसे ज्यादा कर्ज लेकर लोग यदि विदेश भागे तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मुझे इतनी ही ईमानदार पार्टी पे लांछन लगा दे रहा वो तो तुम्हारा। भले प्रवेश जी कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, बिल्कुल आप करें, लेकिन नौकरशाही पर नकेल कसने के लिए थोड़ी बहुत जो दबाव बनाने की जो चीजें होती है बनानी जरूरी भी होती है, लेकिन अगर अधिक आप बनाएंगे तब नौकरशाही टूटने लगती है, नौकरशाही में फिर विसंगतियां आने लगती हैं, और जब इस तरह की खबरें आती हैं। एक क्या क्या आपको दिक्कत हो रही है मेरी बात बताइए। नहीं, नहीं, आपकी बात सही है। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ आईएएस वगैरह का या पूरा ब्यूरोक्रेसी का आप देखिए, संविधान के हिसाब से बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है कि आपको क्या, यहाँ तक हर ऑफिस में ये गाइडलाइन होती है कि आपको 10 बजे पहुंच के थंब इंप्रेशन लगाना है या साइन करना है अटेंडेंस का, यहां से लेके शाम तक आपको क्या क्या करना है, अगर कंडीशन ऐसी है तो आपको डिसीजन कैसे लेना है,
कब किसी चीज को ऊपर फॉरवर्ड करना है, अपने ऑफिसर या बॉस का परमिशन लेना है। जहां इतना क्लियर कट गाइडलाइन है तो गवर्नमेंट की कोई योजना बन के आ गई तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों को जबरदस्ती क्यों, किस चीज के लिए इंटरफेरेंस चाहिए? जब कोई बच्चे तो है नहीं ब्यूरोक्रेट या आईएएस ऑफिसर कि उनको डेली सुबह शाम फोन करके पूछे कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। वो तो एक फ्लो में पूरे सिस्टम में काम चलता रहता है और ऑटोमेटिक होता है। देखिए वही तो बात है ना एक, कि जब ज्यादा होने लगता नहीं इस तरह की घटना, थोड़ा समय अब कम रहा एक, मैं बस इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ एक्चुअली में।